हेलो दोस्तों, जॉम 100 के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉम 100 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। अपने दोस्त केंचो को बचाने के बाद आकिरा और केंचो आकिरा के घर पे आ जाते हैं और वहाँ पर एक कैंपेन करते हैं। यहाँ पर आकिरा का दोस्त केंचो खाना भी बनाता है जो काफी ज्यादा ही स्वादिष्ट था। आकिरा बोलता है, अरे केंचो तुम कुक कर सकते हो, मैं तो नहीं जानता था, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि तुम पॉपुलर हो। केंचो बोलता है, लड़कों को कुक करना सीखना चाहिए और इसकी वजह से तुमको कोई डेट भी नहीं मिलता। आकिरा इस बात को सुनकर गुस्सा होकर बोलता है, तुम देख लेना मैं भी एक लड़की को जरूर से ढूंढूंगा। इसके बाद केंचो आकिरा की बकेट लिस्ट वाला बुक देखता है। केंचो बोलता है, फ्लाइट अटेंडेंट के साथ डिनर करना ये सब वगैरह तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो काफी बड़े बड़े हैं, तुम्हें नहीं लगता? आकिरा बोलता है, जॉब को क्विट करने के बाद मेरी आंखें खुल चुके हैं, अभी मुझे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर केंचो बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, लेकिन यहाँ पर 100 के करीब भी तुम्हारे विशेष नहीं है, क्या मैं अपना विशेष यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ? लेकिन आकिरा बोलता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बाद आकिरा राजी हो जाता है और इसके बाद केंचो भी एक विश लिखता है और वो था बिकम ए स्टैंड अप कॉमिक। इसके बाद केंचो बोलता है, अगर तुम उस दिन वहाँ पर नहीं होते तो अभी मैं जिंदा नहीं रहता, अभी से मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। इस बात को सुनकर आकिरा थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद आकिरा बोलता है, अभी के लिए मैं एक वाइड स्क्रीन टीवी की तलाश में हूँ, क्या हम लोग इकेबुकुरो में जा सकते हैं? इसके बाद वो लोग बाइक निकल कर इकेबुकुरो की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन भाई जॉम्बी उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद जॉम्बी से बचते बचते और टीवी की तलाश में वो लोग जैसे ही भाग रहे थे, तभी अब आकिरा पूछता है, हे केंचो तुम कॉमेडियन क्यों बनना चाहते हो? केंचो बोलता है, मैं हमेशा से कॉमेडी शोज को बहुत ही पसंद करता था और ये मेरा ड्रीम है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक कॉमेडियन बनूं। इस बात को सुनकर आकिरा भी सोचता है, ड्रीम? हाँ, मेरा ड्रीम क्या था? जब मैंने जॉब क्विट किया तब मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसके बाद वो लोग जैसे आगे बढ़ते उन लोगों को देखने को मिलता है, रास्ते के बीच में बहुत सारे गाड़ियां एक साथ अटके हुए थे और उनमें से एक ट्रक में आग लगा हुआ था और वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकता था। इसके बाद वो लोग जैसे रूट चेंज करने की कोशिश करते हैं, तभी वो लोग पीछे देखते हैं, पीछे और एक टैंकर का गाड़ी है और आग के साथ अगर टैंकर का गाड़ी कॉन्टेक्ट में आ जाए तो भाई और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लोग क्या करें, लेकिन आकिरा अभी हार नहीं मानने वाला था। आकिरा डायरेक्ट बाइक लेकर इकेबुकुरो के स्टेशन के अंदर क्रूज जाता है और वो लोग बाइक लेकर अंडरग्राउंड के थ्रू जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी जॉम्बीज ही भरे थे भाई। जॉम्बीज की वजह से वो लोग बाइक को आगे लेकर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो लोग बाइक को छोड़कर दौड़ लगाते हैं। इसके बाद फाइनली जगह वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, तभी केंचो बोलता है, मुझे नहीं पता था कि भाई टीवी खरीदना इतना भी मेहनत हो सकता है। उन लोगों को जैसे ही लगा था कि वो लोग फेस प्लेस पे पहुंच चुके हैं, तभी हम लोगों को देखने को मिलता है 3 लड़कियां और एक आदमी वहां पर था। उनमें से एक लड़की टॉर्च मार के पूछती है, तुम लोग तो इन्फेक्टेड नहीं हो है ना? लेकिन आकिरा बोलता है, नहीं 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 हम लोग इन्फेक्टेड नहीं है। लड़कियों को देखकर केंचो बोलता है, अरे वाह सर्वाइवर्स। उस बात को सुनकर उनमें से एक लड़की बोलती है, इसके बारे में क्या बढ़िया बात है, हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। आकिरा बोलता है, जॉम्बीज कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे, अभी के लिए हम लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। इस बात वो लड़की बोलती है, हम लोगों के पास अभी के लिए सप्लाईज की कमी नहीं है। और केंचो भी बोलता है, ठीक है फिर एक साथ काम करते हैं सर्वाइव करने के लिए। इसके बाद आकिरा का दोस्त केंचो और वो लड़की मिलकर वाइन वगैरह लेकर आते हैं, तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, अभी हम लोगों को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर बियर और वाइन लेकर डिनर पार्टी करते हैं। यहाँ पर केंचो ये भी बोलता है कि वो और आकिरा कॉलेज के टाइम से दोस्त है। यहाँ पर केंचो उन लड़कियों से ये भी पूछता है, क्या तुम लड़कियाँ एक साथ काम करती हो? तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, हमारा लास्ट फ्लाइट लैक से रिटर्न आ रहा था। इस बात को सुनकर आकिरा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद आकिरा बहुत एक्साइटेड होकर बोलता है, क्या तुम लोग फ्लाइट अटेंडेंट हो? और लड़की बोलती है, हाँ हम लोग फ्लाइट अटेंडेंट है। और इस बात को सुनकर आकिरा और केंचो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि भाई उन लोगों का जो विश था फ्लाइट अटेंडेंट के साथ डिनर करने का, वो ख्वाहिश यहाँ पर पूरा हो गया। लेकिन वो लोग जैसे मजे कर रहे थे, बाहर यहाँ पर ज़ॉम्बीज तबाही मचा रहे थे, लेकिन आकिरा तभी भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। आकिरा यहाँ पर सोचता है, अरे भाई मैं क्या करूँ, मैं इस मोमेंट के लिए कब से वेट कर रहा था, मुझे इस तरह के वक्त के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। स्कूल में मैं सिर्फ लड़कों के आसपास ही घूमते रहा और काम में भी किसी भी लड़की ने मुझे कभी भी इनवाइट नहीं किया। इसके बाद उनमें से एक लड़की आकिरा को देखने लगती है और उसको देखकर आकिरा सोचता है, अरे भाई वो मेरी तरफ देख रही है, अभी मुझे कुछ पूछना पड़ेगा। इसके बाद आकिरा बोलता है, तो युकारी क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? युकारी बोलती है, सीरियसली तुम्हें और कोई टाइमिंग नहीं मिला ये पूछने के लिए? इस आंसर को सुनकर आकिरा और भी ज्यादा पैनिक करने लगता है और वो अभी क्या करे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तभी उसको आइडिया आता है कि भाई केंचो उसको हेल्प करेगा,
लेकिन जैसे वो केंचो की तरफ देखता है, वो देखता है कि वो एक और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। केंचो यहाँ पर उस लड़की को बोलता है, अरे तुम्हारे नाखून तो बहुत ही सुंदर है, तुम बहुत ही ऑफन सैलून जाते हो, है ना, क्या तुम हकाटा से हो? और वो लड़की भी बोलती है, हाँ मैं हकाटा से हूँ। इसके बाद केंचो भी बोलता है, अरे इसका मतलब तुम एक हॉक फैन हो। और लड़की भी बोलती है, हाँ मैं एक हॉक फैन हूँ। केंचो और उस लड़की के बीच केमिस्ट्री बनते हुए देखकर आकिरा अपने आप के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट फील करता है और वो सोचने लगता है, भाई ये केंचो कमाल का है, वो वर्ड्स के साथ काफी अच्छा है, इसके वजह से मुझे अभी तक कोई डेट नहीं मिला। नहीं, मैं इसको यहाँ पर खत्म होने नहीं दे सकता, मैं भी एक फ्लाइट अटेंडेंट को पटा के दिखाऊंगा, मैं ज़ॉम्बी के हाथों मर जाऊंगा लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं निकलने दूंगा। आकिरा को बहुत ही ज्यादा जोश में देखकर यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो सभी इग्नोर करके इस वाइन पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आकिरा ज्यादा वाइन पीने की वजह से उसको उल्टी हो रही थी और आकिरा बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट फील करता है अपने आप के ऊपर। लेकिन तभी हम लोग को देखने को मिलता है युकारी पीछे से आकिरा के सर पे पेट करती है। युकारी बोलती है, अभी तुम्हारा हालत कैसा है, क्या तुम अभी ठीक हो? युकारी को यहाँ पर आते हुए देखकर आकिरा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर केंचो एक लड़की के साथ नशे की हालत में मजा उठाने के लिए उसको अलग से लेकर जाता है और उनमें से जो एक आदमी था और एक जो लड़की थी वो वाइन पीने लगती है। एंड वो जो बंदा था, हम लोग को देखने को मिलता है उस बंदे के पैर में ज़ॉम्बी ने काट लिया है। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 4। तो तुम लोग को एपिसोड नंबर 4 कैसा लगा जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना। एंड ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।